थोड़ा पिछले साल का रिकॉर्ड। इस साल अब तक 601 मरीज हुए संक्रमित। डेंगू मच्छर अनुकूल मौसम में बीमारियों को दे रहा है बढ़ावा। जिले में पिछले साल के मुकाबले में इस साल डेंगू तेजी से रहा है फैल। सर, जो फरीदकोट में इस साल डेंगू के मामले की बढ़ोतरी, सर ये अब तक कितने मामले हैं सर पिछले साल? अभी तक 601 के करीब जो डेंगू के टोटल पेशेंट डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 433 पेशेंट हैं जो अब तक ठीक हो चुके हैं। तो हमारे पास जो हॉस्पिटल में सारे जो हमारे इधर 11 हॉस्पिटल्स में पेशेंट हैं, फरीदकोट, कोटपुरा, जैतो सभी में, और 10 मेडिकल कॉलेज, बाकी सबका घर पर ट्रीटमेंट चल रहा है। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल बात की जाए, इस साल नंबर्स तो ज़्यादा है लेकिन उनकी सीवियरिटी कम है, कोई मोर्टैलिटी नहीं है, एक ही मोर्टैलिटी है हमारे पास अभी तक, कोई डेथ वगैरह, एक ही डेथ है, एक सिंगल मोर्टैलिटी। तो इसको रोकने के लिए कैसे प्रोग्राम किया? हमने जो हमारे जितने भी फीवर के डायग्नोस्ड केस होते हैं उस एरिए में हम फीवर का सर्वे करते हैं और उसकी स्प्रे करते हैं 40 हाउसेस पे। उसमें जो हमारे फरीदकोट शहर में जैसे बलबीर बस्ती ज़्यादा अफेक्टेड है, तो वहाँ पर हमने हाउस टू हाउस सर्वे भी करवाए और वहाँ पर फॉगिंग चल रही है। तो अब तो स्थिति काफ़ी कंट्रोल्ड है क्योंकि टेम्परेचर फॉल कर गया, नए केसेस कम आ रहे हैं। तो सर, देखा गया कि अगर कोई डेंगू की उल्लंघना कर रहा है, नहीं साफ सफाई कर रहा, तो क्या उसके लिए कोई चालान भी किया जा रहा है? वो जो हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, दे आर ऑथराइज, वो चालान करते हैं। हमारे तो जो फील्ड वर्कर होते हैं उनको रिपोर्ट करते हैं अभी यहाँ पर वायोलेशन हुई है, तो जो पेनल्टी का प्रोविज़न है वो MC के पास होता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास।